ओम शांति। कल्प के अंत कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा बच्चों को ज्ञान देता है। ज्ञान सागर है तो बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान अमृत पीना है, ज्ञान अमृत पीकर के अमर बनना है और स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। अभी पढ़ेंगे, अभी की पढ़ाई से 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी और स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यही बाबा ने कहा, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। इससे ही तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करते हो। फिर बाबा ने कहा कि मैं भोला भाला हूँ। शिव बाबा भोलानाथ है कैसे? इसके साथ साथ बाबा ने कहा, नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु और व्यक्ति होता नहीं, जबकि भक्ति मार्ग में परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा कहते हैं, आत्मा को भी निर्लेप कह देते हैं। आत्मा नाम रूप से न्यारी नहीं, परमात्मा भी नाम रूप से न्यारा नहीं है, बल्कि परमात्मा का नाम और रूप सारे विश्व से न्यारा और प्यारा है। तो सुनते हैं 21 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती, आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ रूंगा हुआ है। क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा जाता है? आंसर, क्योंकि बाप भी अहिल्याओं, गणिकाएं, कोपजाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? दुनिया में कहते हैं लोग दुख सुख वही देता है, परंतु सुख दाता तो कहलाता है, दुख दाता नहीं कहलाता। दुख करता सुख करता कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को। लौकिक में भी कोई पिता अपने बच्चे को दुखी देख नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता, तो विश्व का पिता परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, वो कैसे अपने बच्चों को दुख दे सकता है? गीत के बोल हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने शरीर की कान रूपी कर्म इंद्री द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आया है, दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर होना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है, वह है आत्माओं का देश। जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, 5000 वर्ष का आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है,
फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी बोला रहे नाम रूप तो है ना, बिगड़ नाम की कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम नहीं रूप भी नहीं देश भी नहीं फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्मा ही रहती है, ये साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, रावण राज्य और राम राज्य। सत्युग त्रेता निराकार राम का स्थापन किया हुआ राज्य, द्वापर कलयुग रावण का राज्य। राम राज्य और रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य आधा कल्प है रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया है कि सत्युग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है, ये कहना दुख सुख परमात्मा देता है ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। आधा कल रावण के राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं, तो बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम संगम पर हो, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है क्या करते हैं, जब खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं असंख्य जोड़ आदि आदि, बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं, ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं, अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होनी चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशन टेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को भी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए फिर कब आएंगे, तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो यह बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे वो लोग कहेंगे आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे, तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे।
तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगा दी है, बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तब प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको क्यामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है, बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने कामचिता पर बिठाई कब्र दाखिल कर दिया, सो गए। अब बाप अमृत चखाते हैं अर्थात पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत चखाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। आप गुरु नानक साहिब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं गुरु नानक जी एक ओंकार सत्य नाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आई हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें पाप पैर समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने आया हूं, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूं। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप समझाते हैं। तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहले नंबर गर्भ में आने वाली कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है। क्या है बाबा की महिमा? पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में,
जब रावण की दुनिया खत्म हो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, वहां सुख ही सुख होगा, शांति होगी, सब कुछ होगा। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यही शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है। ऊपर में शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सुलक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता क्षत्रिय आदि आदि, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन ये नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये माला उन्हीं की बनी हुई है। यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 की माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं, पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्होंने बड़े पोप पादरी होते हैं तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सबके चित्र हैं, पोपों का कितना मान रिकॉर्ड है। उनको खुद पता नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी कहाँ है? अभी बैगर रूप में है। तुम भी अभी बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है ही एक रोमानी पाप। बैगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेज का कॉलेज भी है जहां जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेज स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, 84 जन्मों के बाद बैगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंकाल बैगर बने हैं। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान उपाच्य वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल कर दी है जो शिव भगवान वाच्य के बदले कृष्ण भगवान वाच्य नाम डाल दिया, इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। कहते ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, वहां पाकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते रावण को? वहां नहीं होता है। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है।
आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देता है, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। कनिकाएं, अहिल्याएं, गोपजाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है, आते भी पति तो दुनिया पति शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म, तुम पवित्र बनो। यह विकार पॉइजन है जो आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें नहीं छोड़ सकते? भगवान बच्चों को कह रहे हैं, ये पॉइजन है, विकार है और ये अंतिम जन्म है। क्या इस अंतिम जन्म में इन्हें नहीं छोड़ सकते? और इसके बदले मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए कभी मरेंगे नहीं। बाबा अमर बनाता है, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकार बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। बोलो, नहीं रह सकते हो? बाबा शक्ति देता है रहने की और रहते हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, उससे जब हम बुद्धि योग लगाते हैं, उसका बनते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो बाबा विकारों को छोड़ने की शक्ति देता है और सर्वगुण संपन्न बनने की भी शक्ति देता है। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, भगवान बच्चों को कह रहे हैं, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुखों से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूरत कहते हैं। बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सबको ले जाऊंगा, सारे विश्व की आत्मा को ले जाऊंगा। जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति में भेजूंगा और जिनको जीवन मुक्ति चाहिए वहां भेजूंगा, सारे विश्व की आत्मा को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ता एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से, एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भाव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो। और कौन सा है वो दृढ़ संकल्प स्वयं को बदलने के लिए? वो दृढ़ संकल्प कौन सा है? मैं आत्मा हूं। और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मुहूर्त उद्धार मुहूर्त समझकर
विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो, इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, वे कभी प्राधीन नहीं हो सकती। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं प्राधीन नहीं हो सकती। स्व माना आत्मा, आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ जाती है तो किसी के भी अधीन नहीं हो सकती। आज की तपस्या की पॉइंट है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, और चारों दीदी, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा आदि आदि, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। सुना, एक ही अभ्यास चाहिए। सब समस्याओं का हल समाधान है आत्म अभिमान। विदेही बन जाओ, सोल कॉन्शियस बन जाओ, विचित्र बन जाओ। बस जब मैं आत्मा अभिमानी बन जाऊंगी, अशरीरी बन जाऊंगी, सब गुण मुझ आत्मा में आ जाएंगे और सारी पुरानी दुनिया को भूल जाऊंगी। ओम शांति।